प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजनाएं और रामसर स्थल राजस्थान में कौन कौन से, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से प्रत्येक कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न आने की संभावना है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कितने, 3 हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में 26 है। बाघ परियोजनाएं कितनी, 3 है, रणथंभौर सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स। और रामसर स्थल कितने, 2, सांभर एवं घना पक्षी विहार ये। अब अपन एक एक उद्यान के बारे में अध्ययन करते हैं, कैसे प्रश्न आएंगे वो भी आपको साथ साथ में बताया जाएगा। तो पहला अपन देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के चारों तरफ के क्षेत्र में फैला हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण स्थल है। तो ये रणथंभौर कहाँ, किस जिले में, पहला प्रश्न बन गया सवाई माधोपुर जिले में। ये उद्यान 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, क्षेत्रफल कितना है, 392 वर्ग किलोमीटर। भारतीय बाघ इसमें मिलते हैं, बगेरे तथा रीसों को घूमते हुए या आसानी से देखा जा सकता है। सांभर, सीतल, नील गाय, मगरमच्छ तथा अनेकों प्रकार के पक्षी यहाँ अतिरिक्त आकर्षण के केंद्र हैं। अब नंबर 2 अपन देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है, जो भरतपुर शहर में स्थित है। तो प्रश्न आपके बन गया, एशिया में सबसे बड़ा पक्षियों का प्रजनन क्षेत्र कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न दूसरा आपके बन गया, यहाँ पर किस जिले में, भरतपुर में। इसको घना के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद चारस, जिसको कहते हैं साइबेरियन क्रेन कहा जाता है, यहाँ सर्दियों में के महीनों में निवास करते हैं। हंस, शक, सरिका, शक्वा, शक्वी, लो, सारस, कोयल, धनेश तथा राष्ट्रीय पक्षी मोर आसानी से देखे जा सकते हैं। अब तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कोटा, झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। बगेरा, गागरोनी तथा खेर, तेंदू, ढोकड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके हो गए बाघ परियोजना या राष्ट्रीय उद्यान, बाघ कौन कौन सी परियोजना। अब है वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन सा है। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान, बाड़मेर जैसलमेर जिले में फैला। वर्ष 1981 में जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति एवं करोड़ों वर्षों से भूमि के गर्भ में दबे जीवाश्मों का संरक्षण प्रदान करना था। इसे जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, फॉसिल पार्क या जीवाश्म उद्यान के नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान को जाना जाता है। इसका विस्तार लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यहाँ पर राज्य जो है पशु शिंकारा तथा राज्य पक्षी गोडावन बहुतायत पाए जाते हैं। तो ये हो गया नंबर 2। अपन देखते हैं आगे कौन सा है, सरिस्का। अलवर से 35 किलोमीटर दूर सरिस्का नामक स्थान पर स्वतंत्रता से पूर्व एक पैलेस बनाकर वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। आगे देखते हैं इसमें का प्रारंभ कर दिया। राज्य सरकार ने 1955 में इसे विधिवत अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का स्तर का कर दिया गया। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा बाघ परियोजना प्रारंभ की गई है। इस वन विहार में शेर, बगेरा, सांभर, सीतल, नील गाय, जंगली सुअर, काला खरगोश, लंगूर के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पक्षी निवास करते हैं। आगे देखते हैं नाहरगढ़ अभयारण्य।
यह राजस्थान के जयपुर जिले के ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़ के चारों तरफ फैला हुआ है। तो सीधा प्रश्न है, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, जिसको 1982 में अभ्यारण्य बनाया गया। यहाँ पर प्रमुख रूप से लंगूर, सेही, पाटागो आदि पाए जाते। अच्छा प्रश्न बनता है, सेही तथा पाटागो किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? नाहरगढ़। आगे देखते हैं, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जिले के प्रसिद्ध शिकारगाह रामगढ़ को भी 1982 में वन्य अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह 360 किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला हुआ है। साधारण रूप से यहाँ बगेरा, जरक, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, भेड़िया, नील गाय, सांभर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। प्रश्न पाँच नंबर देखते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग, सीधा लिखा है ताल छापर में कौन से काले हिरण पाए जाते हैं? प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, राज्य के उत्तरी चूरू जिले में, ताल छापर किस जिले में? चूरू जिले में है। चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे से 12 किलोमीटर दूर बीकानेर जयपुर मार्ग पर स्थित है। यहाँ सिर्फ काले हिरण ही मिलते हैं, जिनको 500 पशुओं तक के झुंड में देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, जयसमंद अभ्यारण्य, यह उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर जयसमंद झील के किनारे पहाड़ियों के बीच में बचा हुआ है। किस जिले में? उदयपुर में। यहाँ रीस, जंगली सुअर, तेंदुआ, नील गाय आदि पशु के अतिरिक्त तीतर सहित अनेक पक्षियों का संरक्षण स्थल है। तो ये आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, तीतर किस अभ्यारण्य में है? जयसमंद। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य शीतल की मातृभूमि उड़न गिलेरी सोसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ में सीता माता किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरियों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न बनता है, आगे देखते हैं, बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, 1988 में अभ्यारण्य घोषित किया। यहाँ का विशेष आकर्षण सोसिंगा, सैंड ग्राउस, बगेरा, जंगली बिल्ली नामक जीवों और मगरमच्छ को देखा जाता है। तो ये हो गया, बस्सी किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। आगे देखते हैं अपन, फुलवारी की नाल उदयपुर जिले में स्थित हैं। किसमें? उदयपुर जिले में। यहाँ सोम, मानसी, वाकल नदियाँ बहती है। प्रश्न पूछेंगे आपको, किस अभ्यारण्य से सोम, मानसी, वाकल नदियाँ बहती हैं? उत्तर क्या होगा? उदयपुर, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। इसमें बाघ, बगेरा, सांभर और शीतल जीवों के साथ साथ अनेक प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले के पर्वतीय क्षेत्र भैंसरोड़गढ़ के निकट इसमें निवास करने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से इसे बनाया गया। इसमें बघेरा, लकड़बग्घा, नील गाय, जंगली सुअर, चीतल, सिंकारा, गीदड़, लोमड़ी आदि वन्य जीव मिलते हैं। आगे देखते हैं, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर जिले में स्थित है, 1987 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। साधारण रूप से इसमें शेर, कृष्ण मृग, नील गाय, सांभर, शीतल, लंगूर, जंगली सुअर, सिंकारा वन्य जीव देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य राज्य के तीन जिलों क्रमशः राजसमंद, पाली, अजमेर जिलों के सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 512 वर्ग किलोमीटर है और 1983 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य यह बूंदी जिले में स्थित है। यहाँ ये अभ्यारण्य 30 वर्ग किमी के बीच फैला हुआ है। यहाँ पर बाघ, बघेरे, जरक, रीस, गीदड़, नील गाय, शीतल, सिंकारा, जंगली बिल्ली,
भेड़िए, लोमड़ी, नेवला आदि देखे जा सकती हैं। आगे अपन देखते हैं बंद बैरठा अभयारण्य। यह अभयारण्य केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान के 50 किलोमीटर दूर, इसका क्षेत्रफल 193 वर्ग किलोमीटर या अनेक प्रजातियां पाई जाती है। तो सीधा प्रश्न पूछेंगे, बंद बैरठा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? आपका उत्तर क्या आएगा? भरतपुर आएगा। आगे देखते हैं सवाई मानसिंह अभयारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ यह वन्य क्षेत्र है, जिसको 1984 में अभयारण्य के रूप में नाम दिया गया। यहाँ बाघ, बघेरा, नीलगाय, शीतल, सांभर जीवों को देखा जा सकता है। प्रश्न क्या पूछेंगे, सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले से संबंधित है? तो आपका उत्तर क्या आएगा? सवाई माधोपुर। आगे देखते हैं रामसागर वन विहार अभयारण्य, यह स्थल राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर में आगरा बम्बू राष्ट्रीय राजमार्ग धौलपुर से 10 किलोमीटर दूर, यहाँ पर अनेक वन्य जीव जैसे जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, शीतल, तीतर, मोर देखे जा सकते हैं। अब आगे और देखते हैं आबू पर्वत अभयारण्य राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। आबू किस जिले में? सिरोही। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सीधा प्रश्न पूछेंगे, जंगली मुर्गों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? आगे देखते हैं कुंभलगढ़ उदयपुर पाली व राजसमंद जिलों में स्थित है। कुंभलगढ़ भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ रणकपुर के जैन मंदिर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल किस जिले में? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। केला देवी करौली में स्थित है। वन विहार धौलपुर में, केसरबाग धौलपुर में, सरिस्का अ, ये हैं आपके अलवर राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य। दर्रा वन्य जीव कोटा झालावाड़ गागरूनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। अबली मिनी का महल रावठा महल इसमें प्रसिद्ध है। शेरगढ़ बारा सर्पों की चरण स्थली कहा जाता है। जवाहर सागर बूंदी कोटा चित्तौड़गढ़, ये आपके वन्य जीव अभयारण्य पूर्ण हो गए, बहुत ही अच्छे थे। यहाँ से कई प्रश्न आने की संभावना। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिसको हमको भी पढ़ाने में आनंद आता है। तो विद्यार्थियों, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो रात दिन मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए, एक दिन आपका लक्ष्य वो आपको प्राप्त होगा। थैंक यू।